नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध कब रुकेगा ये किसी को नहीं पता। अमेरिका समेत कई देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। हर किसी को लग रहा है कि युद्ध अब रुक जाएगा और युद्ध में यूक्रेन की हार हो जाएगी, इसलिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को हथियार डाल देना चाहिए और रूस की सभी मांगों को मान लेना चाहिए। हालांकि आपको यहां एक खास बात बता दें कि एक तरफ यूक्रेन के हथियार डालने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन को यूक्रेन के जेब फैक्टर का डर सता रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जेब फैक्टर क्या है, तो चलिए आपको बता देते हैं। जेब फैक्टर का अर्थ है अमेरिकी जेवलिन मिसाइल। युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने उसे 10 करोड़ की मदद का ऐलान किया है और यूक्रेन को जेवलिन हथियार मुहैया कराए हैं। वहीं अमेरिका और नाटो रूस से सीधे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो जेवलिन मिसाइल देकर यूक्रेन को मजबूत बना रहे हैं। ये हथियार मिलने के बाद यूक्रेन एक बार फिर खुद को मजबूत स्थिति में पा रहा है और रूसी सेना को निशाना बना रहा है। अब आप जेब फैक्टर तो समझ गए, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रूस जैसे ताकतवर देश जेवलिन हथियार से क्यों डर रहा है, तो चलिए आपको ये भी बता दें। दरअसल इस मिसाइल के जरिए यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना पर खूब कहर बरपाया है और उनके कई टैंक नष्ट कर दिए हैं। सैन्य विशेषज्ञ भी इस बात को मान रहे हैं कि अमेरिका में बने इस हल्के लेकिन घातक हथियार ने यूक्रेन के सैनिकों की रूसी टैंकों और तोपखाने पर भारी नुकसान पहुंचाने में काफी मदद की है। रूसी सैनिक जैसे जैसे क्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही यूक्रेनी सेना ने इसका इस्तेमाल तेज कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों ने जेवलिन मिसाइल हमले का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि यही टैंक रूसी सैनिकों की कब्र बन गए हैं। और जिस स्तर पर यूक्रेनी सेना द्वारा इस हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही यूक्रेन में घुसी रूसी सेना तबाह हो जाएगी। चलिए अब आपको जेवलिन मिसाइल की ताकत और उसके बारे में बताते हैं। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एक एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल वजन में हल्की होने की वजह से कंधे पर रखकर चलाई जाती है। इसके मिसाइल लॉन्चर का वजन 11 से लेकर 24 किलोग्राम तक होता है। इस लॉन्चर में डे नाइट विजन भी होता है। जेवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह टारगेट का पीछा करके उसका खात्मा करती है। इसकी यही खासियत इसे जमीनी लड़ाई में सबसे असरदार बनाती है। जेवलिन मिसाइलों से दो तरह के हमले किए जाते हैं। पहला किसी ड्रोन या कम ऊंचाई वाले लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए और दूसरा जमीनी लड़ाई में टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों पर सीधा निशाना लगाकर। तो आप समझ गए होंगे कि पुतिन को यूक्रेन का जेब फैक्टर क्यों सता रहा है।